देख रहे हैं मोटिवेशनल किंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है। प्रश्नावली 14.2 का पर्शन 2 देखिए, इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे जो उसकी प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें है क्या, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियाँ हैं। और उसमें हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है फर्स्ट पॉइंट, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं, ठीक है। और सेकंड में पूछा गया अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरे पॉइंट में अपने कार्यस्थल से 0.5 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, इसमें हमें देखना है ये कि इसमें टोटल कितने हैं। टोटल है 40, पता चल गया हमें, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने पूछा अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं। 7 किलोमीटर से कम वाले हमें देखना है, यहाँ पे जितने भी हैं उसमें 7 से कम वाले कितने हैं वो हमें देखने हैं। देखो 7 से कम वाला 1 मिल गया ये, ठीक है, 1। इसमें 1 मिला, 2 इसमें, 1 मिला, 3। और उसके बाद में इसमें 1 मिला, 4। और एक ये 5। उसके बाद में 1 6, इसमें 1 भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी 1 भी नहीं है, इसमें है 1 7, 1 इसमें है 8 और 1 9। ये क्या है, 7 से कम वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो 7 से कम वाले आए वो कितने आए, 9। हमें पता चल गया कि 9 कहाँ आएगा, ऊपर, और 40 कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि टोटल जो है वो 40 है और 7 से कम वाले हमारे पास 9 हैं, वो हमने गिन लिए। एक बार और गिन लेते हैं, देखो 1 2 3, उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 4 5 6, उसके बाद में 7 8 और 1 9, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में 9 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 40 नीचे, हमें ये पता चल गया। अब सेकंड पॉइंट का देखो, सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहते हों, 7 या फिर इससे अधिक। अब ये वाले जो अभी हमने गिने हैं 7 से कम वाले वो कितने थे, 9, और टोटल ये कितने हैं, 40 जो बचे हैं, ठीक है। जब हम 40 में से 9 घटा देंगे, जो हमारे पास बचे हैं 31, वो सारे के सारे हमारे होंगे 7 से अधिक वाले। तो सेकंड पॉइंट में आ जाएगा 31 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 40, क्योंकि वो टोटल है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा अपने कार्यस्थल से 0.5 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हो, तो 0.5 किलोमीटर वाला तो इसमें कोई भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा ऊपर और 40 नीचे आ जाएगा। जब हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इस तरीके से आ जाएगा थर्ड पॉइंट में। अब देखो इसके लिखने का तरीका कि हम लिखेंगे किस तरीके से। इसके फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा गया था अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं कितने, 9/40। और सेकंड पॉइंट में पूछा गया था अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहते हैं वो कितने रहते हैं, 31/40, क्योंकि टोटल 40 थे, उसमें से हमने कम वाले घटा दिए, ठीक है, 9, तो हमारे पास बचे थे 31, इसलिए 31/ यहाँ पे 40 आ गया। थर्ड पॉइंट में इन्होंने पूछा था अपने कार्यस्थल से 0.5 या इससे कम दूरी पर रहते हैं, तो 0.5 वाला कोई नहीं था, तो वो होगा 0 और नीचे आ जाएगा 40। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।